जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें आप लोगों को हर तरीके के प्रश्न मिलेंगे जो आप लोग के पेपर के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो हम आज देख लेते हैं अपना डेली करंट, ये डेली जो है हमारा हिंदी का सेशन चलता है, तो इसमें हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं ये हम आज देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत भारती के लेखक कौन हैं। तो निम्नलिखित में से भारत भारती के लेखक कौन हैं, तो इनके बारे में हमें देख लेते हैं। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त हैं, रत्नाकर हैं, निराला हैं या फिर जयसिंह हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा लेखक है जिसने भारत भारती नामक पुस्तक की मतलब रचना की हुई है। तो देख लेते हैं भारत भारती नामक पुस्तक की रचना किसने की हुई है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर एक, क्या है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती नामक पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ओके, मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी हुई थी। किसको, तो मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी हुई थी। अगला देख लेते हैं रत्नाकर। तो रत्नाकर की कोई एक पुस्तक बताएं, तो रत्नाकर की पुस्तक है कौन सी, तो रत्नाकर की पुस्तक देखते हैं क्या है, उद्धव शतक। ठीक है, तो रत्नाकर की पुस्तक हो जाएगी उद्धव शतक। ठीक है, और निराला की क्या हो जाएगी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी परिमल। ठीक है, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुस्तक हो जाएगी कौन सी, तो ये हो जाएगी कौन सी, परिमल। ठीक है, फिर है जयसी, तो कौन है, तो जयसी हैं। तो इनकी पुस्तक आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, कि जयसी की कौन सी पुस्तक, मतलब पुस्तक का नाम बताएं आप लोग कि जयसी की पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बोली को पहाड़ी क्षेत्र में नहीं बोला जाता है। तो किस बोली को पहाड़ी क्षेत्र में नहीं बोला जाता है ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं। तो देख लेते हैं, निम्न में किस बोली को पहाड़ी क्षेत्र में नहीं बोला जाता है, तो इसमें से आपको बताना है, कुमायूं, गढ़वाली, नेपाली या ढूंढाड़ी। तो इसमें से ऐसी कौन सी भाषा है जिसे पहाड़ी क्षेत्र में नहीं बोला जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से ऐसी कौन सी भाषा है जिसे पहाड़ी क्षेत्र में नहीं बोला जाता है। तो इसमें से कौन कौन सी बोली जाती हैं वो देख लेते हैं। तो कुमायूनी बोली जाती है, गढ़वाली बोली जाती है और नेपाली ये भी बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो बोली नहीं जाती है, तो ये ढूंढाड़ी भाषा जो है ये नहीं बोली जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है अहिरवाड़ी। ठीक है, क्या है, अहिरवाड़ी इसे कहते हैं, और इसका एक और अन्य नाम है, इसको बोलते हैं हड़ौती। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, हड़ौती। ठीक है, तो हड़ौती, अहिरवाड़ी, ढूंढाड़ी ये सभी कि क्या है, तो ये मतलब पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती हैं। ओके, तो देख लेते हैं जो नेपाली भाषा है इसके बारे में देखते हैं। तो नेपाली भाषा को डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा इसे अमान्य किया गया है। मतलब डॉक्टर नगेंद्र जो हैं ये नेपाली भाषा को भाषा नहीं मानते हैं। उनके अनुसार टोटल भाषाओं की संख्या 17 मानी गई है। कितनी, 17 संख्या मानी गई है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। वैसे कितनी है, तो वैसे कितना है, बोलियां कितनी हो जाती हैं, तो हमारे यहाँ वैसे बोलियां हैं 18। ठीक है, 18 बोलियां होती हैं। ठीक है, तो क्या है कि 18 बोलियां हमारे यहाँ हैं, इसलिए नगेंद्र कितनी मानते हैं, नगेंद्र मानते हैं 17। ठीक है, तो नगेंद्र जी, डॉक्टर नगेंद्र जो हैं ये 17 बोलियां मानते हैं, नेपाली को ये भाषा नहीं मानते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, युगवाणी के रचनाकार हैं। तो युगवाणी के रचनाकार कौन हो जाते हैं ये आपको बताना है। तो सुमित्रानंदन पंत हैं, अज्ञेय हैं या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है ये आप इसका जवाब दें।
तो इसमें सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा, या फिर अज्ञेय हो जाएगा, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन हो जाएगा, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है ये आपको बताना है। तो देखें सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर एक, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की रचना है कौन सी है, तो ये है युगवाणी। ठीक है, युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना देख लेते हैं, तो जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नागयज्ञ और कामायनी। ये सभी किसकी हैं, तो ये सभी हो जाएंगी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, किसकी हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हो जाती हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला के लेखक कौन हैं। तो हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला के लेखक कौन हो जाते हैं, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर कबीरदास। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, निर्मला प्रेमचंद की रचना है। किसकी है, तो निर्मला जो है ये प्रेमचंद की रचना है। कौन है, मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म कब हुआ था, तो हम बता देते हैं आप लोगों को है, तो इनका जन्म हुआ था 1880। ठीक है, 1880, और इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई 1936 में। ठीक है, 36 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन और इनका प्रेमाश्रय। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थीं। ओके, अब देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद। तो हमने जयशंकर प्रसाद की अभी देखी थी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें कबीर की। तो कबीर की हमने एक देख लेते हैं बीजक। ठीक है, कबीर की रचना है बीजक। ओके, किसकी है, कबीर की रचना हो जाती है बीजक। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। क्या है, धूल भरा मैला सा आंचल, मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। उपर्युक्त में कौन सा काव्य गुण है, तो ओज है, माधुर्य है, प्रसाद है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर पाँच में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, प्रसाद। तो इसमें प्रसाद गुण हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कर्मभूमि उपन्यास किसकी रचना है। कर्मभूमि उपन्यास किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी प्रेमचंद, या जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो क्वेश्चन नंबर छः में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की रचना है कर्मभूमि। ठीक है, कौन सी है, कर्मभूमि रचना हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, निम्न में से युगवाणी किसकी रचना है। तो निम्न में से युगवाणी किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है ये आप बताएं। तो देख लें आप लोग और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है एक, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी युगवाणी। ठीक है, युगवाणी जो है ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं। तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हो जाते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसमें अमृतलाल नागर हैं, मनु भंडारी हैं, मोहन राकेश हैं, या फिर निर्मल वर्मा हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, इसमें से किसकी रचना है आधे अधूरे, तो आधे अधूरे रचना किसकी हो जाएगी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है कौन सा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहन राकेश। मोहन राकेश की रचना है कौन सी, आधे अधूरे। आधे अधूरे जो है ये मोहन राकेश की रचना हो जाती है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य है। तो निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य है, झरना, कामायनी, आंसू, लहर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, कामायनी। ठीक है, कामायनी ये हमारा एक महाकाव्य हो जाता है।
देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन कवि रीतिमुक्त है। तो रीतिमुक्त कवि कौन से इसमें हैं ये आपको बताना है। तो इसमें बिहारी दास हैं, केशव दास हैं, भिखारी दास हैं या फिर घनानंद हैं। तो इसमें से रीतिमुक्त कवि कौन से हो जाएंगे ये आपको जवाब देना है। तो इसमें बिहारी दास हैं, केशव दास हैं या भिखारी दास हैं या फिर घनानंद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, घनानंद। घनानंद जो हैं ये रीतिमुक्त कवि हो जाते हैं, ठीक है। रीतिमुक्त कवि कौन है, तो रीतिमुक्त कवि हो जाएंगे घनानंद, घनानंद हो जाएंगे। एक और कौन है तो आपको और बताएं, तो इसमें घनानंद हो जाएंगे, आलम हो जाएंगे। कौन है, घनानंद, आलम और क्या हो जाएंगे, बोधा, ठीक है। आलम हो जाएंगे, बोधा हो जाएंगे, ये सब क्या है, ये सब हो जाएंगे रीतिमुक्त कवि, ठीक है। रीतिमुक्त कवि घनानंद, आलम और बोधा हो जाते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम नामक हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो प्रेमाश्रम के, प्रेमाश्रम क्या है, प्रेमाश्रम नामक हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं या फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है तो ये आपको बताना है। तो आप बताएं और देखें, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रेमचंद। प्रेमचंद की रचना है प्रेमाश्रम, ठीक है। प्रेमाश्रम किसी रचना है, तो ये प्रेमाश्रम है, प्रेमचंद की रचना हो जाती है, ओके। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, प्रेम सूत्र के लेखक कौन हैं। तो प्रेम सूत्र के लेखक कौन हो जाते हैं, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद प्रेम सूत्र के लेखक हो जाते हैं। प्रेम सूत्र के लेखक मुंशी क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आराधना, आराधना पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो निम्नलिखित में से आराधना पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं, तो इसमें सुमित्रानंदन पंत हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर एक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है आराधना, आराधना पुस्तक के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं। किसके, तो ये आराधना पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अच्छा एक बार और देख लें, झांसी की जय, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, वीरों का कैसा हो बसंत। ये किसकी रचना है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना हो जाएंगी। कौन सी, झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, वीरों का कैसा हो बसंत, बिखरे मोती, ये सभी किसकी रचना है, तो ये सभी रचना हो जाएंगी किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। निराला की रचनाएँ कौन सी हो जाएंगी, निराला की रचना है कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, ठीक है। कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, ये सभी किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हो जाती हैं, ठीक है। किसकी हैं, तो ये सभी रचना हो जाती हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा दिनकर की भी देख लें, तो दिनकर की रचना उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र। दिनकर की रचना कौन सी है, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अनामिका के रचनाकार कौन हैं। अनामिका के रचनाकार कौन हो जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें अनामिका के लेखक कौन हैं, तो अनामिका के लेखक हो जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं ये अनामिका के लेखक हो जाते हैं। तो इनकी, निराला की रचनाएं कुकुरमुत्ता, परिमल और अनामिका, ये महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनवाड़ी के रचनाकार कौन हैं। बनवाड़ी के रचनाकार कौन हो जाते हैं, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरीशचंद, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है,
रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इन, ये बनवाड़ी के रचनाकार हो जाते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है बनवाड़ी, ठीक है, बनवाड़ी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना हो जाती है। तुलसीदास की रचनाएं कौन सी हैं? तो तुलसीदास की रचनाएं हो जाती हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, बैरागी संदीपनी, पार्वती मंगल और जांगनकी मंगल, ये सभी तुलसीदास की रचनाएं हो जाती हैं। और हमने देखा था अभी दिनकर की, तो दिनकर की उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र, ये सभी दिनकर की रचनाएं हो जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है सही, तो अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या रचना, क्या संज्ञा दी हुई है, तो हम इसमें देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, तो आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदिकाल को क्या संज्ञा दी गई है, चारण काल, बीज बपन काल, आदिकाल या वीर गाथा काल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, वीर गाथा काल। तो आदिकाल के लिए वीर गाथा काल किसने कहा है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा हुआ है। देख लेते हैं अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाता है, पूर्वी हिंदी की कौन सी बोलियाँ हैं। तो पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियाँ हो जाती हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, मगही, भोजपुरी, मैथिली, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कौन सी हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती। ये किसकी रचनाएं हैं, तो ये रचनाएं हैं कहाँ की हैं, तो ये है राजस्थानी, ठीक है, ये राजस्थान की हैं, ठीक है, राजस्थानी बोलियाँ हैं। फिर क्या है, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये क्या है, ये है बिहारी, ठीक है, ये बिहारी भाषाएं हैं। फिर ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली, ये सभी रचनाएं हो जाएंगी पश्चिमी हिंदी की, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की रचनाएं ये किसकी हैं, पश्चिमी हिंदी की रचनाएं हो जाएंगी। कौन कौन सी, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली, ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। ओके, तो इसमें हमारा उत्तर सही है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माझी ना बजाओ बंसी निम्न में से किस कवि की कविता है। तो केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री या फिर शिवमंगल सुमन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें से किसकी रचना है, माझी ना बजाओ बंसी, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर एक सही है, क्या है, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है माझी ना बजाओ बंसी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र किस विधा की रचना है। दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र किस विधा की रचना है, काव्य है, उपन्यास है, निबंध है या फिर नाटक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, काव्य। कुरुक्षेत्र ये एक कैसी रचना है, तो ये कुरुक्षेत्र जो है एक काव्य रचना है, ठीक है, कैसी रचना है, काव्य रचना हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उर्वशी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है। उर्वशी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है, तो प्रसाद हैं, पंत जी हैं, दिनकर हैं या फिर महादेवी वर्मा हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा रचयिता है जिसने उर्वशी की रचना की हुई थी, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, दिनकर। दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला था। कौन सा पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी पर मिला हुआ था, किसको, दिनकर को, ठीक है, दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कामायनी का काव्य रूप क्या माना जाता है। तो निम्नलिखित में से कामायनी का काव्य रूप क्या माना जाता है, खंड काव्य, चरित काव्य, एकार्थ काव्य या महाकाव्य। तो कामायनी किस प्रकार का काव्य है, ये आपको जवाब देना है, तो इसमें हमारा हो जाएगा महाकाव्य, ठीक है, कामायनी ये एक महाकाव्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुनाहों का देवता किसकी रचना है। तो गुनाहों का देवता ये किसकी रचना हो जाएगी, धर्मवीर भारती, यशपाल, अशोक शर्मा, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता। तो गुनाहों का देवता ये किसकी रचना हो जाती है,
ये आपको जवाब देना है। तो आप देखें और बताएं गुनाहों का देवता किसकी रचना हो जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर एक है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है कौन सी, गुनाहों का देवता। ठीक है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना हो जाती है। धर्मवीर भारती की रचना एक और देख लें तो सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना हो जाती है। ठीक है, किसकी है, धर्मवीर भारती की रचना हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती की रचनाएँ हो जाती हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा है, परिमल किसकी रचना है, परिमल किसकी रचना है, क्या है परिमल किसकी रचना है, लक्ष्मीकांत वर्मा, अशोक वाजपेयी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अज्ञेय, तो ये किसकी रचना है, ये आपको जवाब देना है। तो आप इसका जवाब दें कि परिमल किसकी रचना है, तो परिमल किसकी रचना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हो जाएगी परिमल, कुकुरमुत्ता और अनामिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रामचंद्र जी के द्वारा खाना नहीं खाया गया वाक्य किस प्रकार का है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है, तो इसमें क्या है, नहीं खाया गया। ठीक है, तो ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, साहित्य लहरी, पद्मावत, मधुमालती, गुलशने इश्क, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ पद्मावत हो जाता है। अगला है, इनमें से एक आत्मकथा नहीं है, तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो आत्मकथा नहीं है, जिंदगी कोई सौदा नहीं, जिंदगी नामा, हमजात, गालिब घुटी शराब, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमजात जो है ये एक आत्मकथा नहीं है, क्या है, हमजात जो है ये आत्मकथा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है अष्टछाप की रचना किसके द्वारा की गई, अष्टछाप की रचना किसके द्वारा की गई, तो ये विट्ठल दास, सूरदास, नरोत्तम दास या फिर नंददास, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, विट्ठल दास। अष्टछाप की रचना विट्ठल दास के द्वारा की गई। ठीक है, अष्टछाप की रचना किसके द्वारा की गई, तो अष्टछाप की रचना विट्ठल दास के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का मौलिक उपन्यास हो जाएगा, तो परीक्षा गुरु, दीपदान, रेशमी टाई, चरवाहे, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है एक, परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राग गोविंद की रचनाकार हैं, तो राग गोविंद की रचनाकार कौन हो जाएंगी, मीराबाई, कबीरदास, महादेवी वर्मा या फिर रैदास, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, राग गोविंद की रचनाकार कौन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है, मीराबाई। मीराबाई राग गोविंद के रचनाकार हो जाएंगे, तो राग गोविंद की रचनाकार मीराबाई हो जाती हैं। ओके, महादेवी वर्मा की रचना कोई बताएं आप दो, तो महादेवी वर्मा की दो रचनाएं कौन सी हो जाएंगी, यामा रश्मि। ठीक है, यामा रश्मि ये मीराबाई की रचनाएं हो जाती हैं। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अखरावट के लेखक कौन हैं, तो निम्नलिखित में से अखरावट के लेखक कौन हैं, मैत्री शरण गुप्त, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो अखरावट के लेखक कौन हैं, तो अखरावट के लेखक हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जैसी। अखरावट के लेखक कौन हैं, तो अखरावट के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, जैसी के द्वारा ये रचना लिखी गई है, कौन सी है, अखरावट। ठीक है, अखरावट रचना जो है ये जैसी के द्वारा लिखी गई है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा हाँ एक बार देख लें, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना और कौन सी हैं, तो इनकी रचना है पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम। ठीक है,
मलिक मोहम्मद की रचना कौन सी हैं? तो पद्मावत है, चित्रलेखा है, कहरनामा है और आखिरी कलाम, ये किसकी रचना है? तो ये रचना हो जाएंगी मलिक मोहम्मद जैसी जी की। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1944, 1941, 1945 या फिर 1943? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1943। 1943 में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंधेरे में कृति किसके द्वारा लिखी गई है? निम्नलिखित में अंधेरे में कृति किसके द्वारा लिखी गई है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर धूमिल? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ए, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो है, मुक्तिबोध के द्वारा धूमिल रचना, अंधेरे में ये रचना जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। अंधेरे में जो कृति है ये मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि थे? तो केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि थे? तो ये प्रयोगवाद या फिर छायावाद, प्रगतिवाद या फिर आधुनिकतावाद? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें है केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि थे? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद काव्य धारा के कवि केदारनाथ अग्रवाल थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, युग की गंगा कृति किस कवि की रचना है? युग की गंगा किस कवि की रचना है? केदारनाथ सिंह की है, केदारनाथ अग्रवाल की है, केदारनाथ मिश्र प्रभात की है या रामेश्वर शुक्ल की है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की रचना हो जाएगी कौन सी? तो ये हो जाएगी युग की गंगा। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना हो जाती है। अगला है, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि थे? नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि थे? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता या समकालीन कविता? तो नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि थे? तो ये कवि हो जाएंगे प्रगतिवाद। प्रगतिवाद काव्य धारा के कवि नागार्जुन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दस द्वार से सोपान तक कृति के लिए किस लेखक को सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो दस द्वार से सोपान तक कृति के लिए किस लेखक को सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो इसमें लीलाधर जुगड़ी, गोविंद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, नासिरा शर्मा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को दस द्वार से सोपान तक रचना के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया था। किसको? तो ये दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को, ठीक है। और नासिरा शर्मा को पारिजात, क्या है, नासिरा शर्मा को पारिजात रचना के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नासिरा शर्मा को पारिजात रचना के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से भी कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।